हेलो गाइस, कैसे हो? हे तो गाइस, आज हम फिर से खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन की सर्वाइवल सीरीज है। तो गाइस, पिछले पार्ट में मैंने और भैया जैक ने मिलकर एक नेदर पोर्टल बिल्ड किया था। तो गाइस, अभी तक वो वाली वीडियो ना देखी हो तो आई बटन में लिंक दिया हुआ है, तुरंत जाके देख लेना है। तो गाइस, आज के पार्ट में हम लोग फाइनली इंचेंटिंग टेबल बनाने वाले हैं, क्योंकि अब हम लोगों को पावरफुल बनना है और हमको अपने टूल्स को भी एकदम पावरफुल बनाना है। तो गाइस, आज हम अपने वीडियो में एक इंचेंटिंग टेबल बनाने वाले हैं, तो जल्दी से बिना किसी देरी के शुरू कर देते हैं और भैया जैक को बुलाकर कुछ शाउट आउट भी दे देते हैं। हे ओए मुन्ना, आज तो मैं ही शाउट आउट दूंगा। ओए हाँ भैया, आज आप ही शाउट आउट दे लीजिए। हे ओए, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, जो वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं उन सभी को बहुत बहुत शुक्रिया मेरी और ओगी की तरफ से, और सबको बड़ा वाला शाउट आउट। ओए मेरी तरफ से तो तोड़ने फोड़ने वाला शाउट आउट, और तोड़ दो फोड़ दो। ओए कमेंट में कमेंट करा करो, और जल्दी से चैनल को ना सब्सक्राइब किया हो तो कर दो, क्या कर रहे हो। ओए ओगी, अब तू भी शाउट आउट दे दे। हे गाइस, सभी को मेरी तरफ से बड़े वाला शाउट आउट है। तो गाइस, वीडियो को बिना किसी देरी का शुरू कर देते हैं। हे ओए, तो चल ना, जल्दी से शुरू कर देते हैं ओगी। ओए हे भैया, आज हम लोगों को एक इंचेंटिंग टेबल बनानी पड़ेगी। हे ओए, ये इंचेंटिंग टेबल क्या होती है मुन्ना? हे भैया, इंचेंटिंग टेबल बनाने से हम लोग अपने टूल्स वगैरह को अपग्रेड कर सकते हैं। ओए कैसे अपग्रेड कर सकते हैं, पूरा डिटेल में बता, दिमाग मत खराब कर। हे भैया, हम अपने टूल्स को अपग्रेड कर उनकी पावर और ड्यूरेबिलिटी और भी पावर जैसे बढ़ा सकते हैं, और हम लोग एकदम माइनक्राफ्ट में सबसे पावरफुल बन जाएंगे। है कोई भी ज़ॉम्बी हम लोगों से टिक नहीं पाएगा। है ओए, तब तो बना ले जल्दी से, मजा आएगा सबको तोड़ने फोड़ने में। ओए इसीलिए भैया मैंने एक इंचेंटिंग रूम भी बना लिया है। ओए कब बना लिया, कैसे बना लिया? ओए कहाँ पर है, जल्दी बता दे। हे भैया, ये देखिए मैंने दोनों तरफ पेंटिंग भी लगा दी है। और ये सुतली बॉम की पेंटिंग क्यों लगाई है? और हे भैया, ये अच्छी लग रही थी इसलिए मैंने लगाई है। तो चलिए भैया, मैं इंचेंटिंग रूम दिखा देता हूँ। ये देखिए भैया, हम लोगों की इंचेंटिंग टेबल इधर ही हम लोग रखेंगे। है तो भैया, हम लोगों ने रूम देखिए कितना अच्छा बनाया है। और ये तो तूने कमाल कर दिया, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया। और चल ठीक है, लेकिन ये बता, ये इंचेंटिंग टेबल कैसे बनती है? हे भैया, सबसे पहले हम लोगों को ऑब्सीडियन कलेक्ट करने के लिए जाना पड़ेगा। है और तब तो फिर बहुत दिक्कत होने वाली है, फिर से तो उस खाई में मुझे कूदाएगा। नहीं भैया, हम लोगों के माइनक्राफ्ट में भी यहाँ पर ऑब्सीडियन मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर लावा है, तो हम लोगों को पानी ले जाना पड़ेगा, तभी हम लोगों को ऑब्सीडियन मिल जाएगा। है और तो चलना, बिना किसी देरी के चलते हैं। ओए हाँ भैया, चलते हैं। है भैया, इधर हम लोगों को लिफ्ट भी लगानी पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट में बोला करते हैं यहाँ पर लिफ्ट लगाओ। है और चल ठीक है, उसे भी लगा देंगे। ओए ओए क्या रे बिल्ले, तूने मेरे भाइयों को मारा। ओए तुझे भी मार दूंगा, तू कौन अलग है। ओए इसे भी मार दिया, रुक जा। ओए तू क्या रुकाएगा, ओए ये ले मकड़ी। है क्या कर रही है, मर गई। ओ हे भैया, आपने तो कमाल कर दिया, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया। ओ ऐसा क्या हो गया। हे भैया, हम लोगों को पावर 3 की बो मिल चुकी है। ए? जो भैया की एक इंचेंटिंग बो है। ए? ओ तब तो कमाल हो गया, धोती फाड़ के रुमाल हो गया मुन्ना। हे भैया, आपने तो आज कमाल कर दिया। है भैया, हम लोगों को स्केलेटन से एकदम इंचेंटिंग वाली बो मिली है, वो भी भैया पावर 3 की, जिसका अटैक डैमेज बहुत ही खतरनाक है। ओए चल ठीक है, इस बो को भी बाद में रिपेयर कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग को ऑब्सीडियन माइनिंग के लिए जाना चाहिए। ओए रुक जा, खाना खाता हूँ फिर चलूँगा। हे भैया चलिए चलते हैं। हे ओए अंदर क्यों नहीं जा रहा, ओए चल ले। ओए मुन्ना, ये तू कैसे बना दिया है, ये अंदर नहीं जा रहा, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। हे भैया आराम से जाना पड़ेगा, रुक जाइए भैया मैं जाता हूँ। हे भैया क्या हो रहा है। हे देखिए भैया, हम लोग फाइनली अंदर चले गए हैं। ओए तो चल ठीक है ना, चलते हैं, यहाँ भी सामान रखा है मुन्ना, इसको भी उठाना ही पड़ेगा। ओए हाँ भैया, इसको हम लोग बाद में उठा लेंगे, जब हम लोग एक XP फॉर्म वगैरह बनाएंगे तो हम अपने टूल्स को भी इंचेंट कर लेंगे। तो भैया अब हम लोग को एक XP फॉर्म की भी ज़रूरत पड़ने वाली है, तो भैया हम लोग उसे भी बनाएंगे। है और XP फॉर्म की क्या ज़रूरत पड़ेगी? हे भैया, अगर हम अपने टूल्स को इंचेंट वगैरह करेंगे तो हम लोगों को XP फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम लोगों को टूल्स को इंचेंटिंग करने के लिए कुछ XP कॉस्ट चाहिए होता है। और ये XP कॉस्ट क्या होता है? हे भैया देखिए, जो हम लोगों को भी ज़ॉम्बी मारते हैं, तो देखिए भैया आप लोगों का भी XP कॉस्ट 18 है। ए ओ चल ठीक है, बहुत ज़्यादा ज्ञान दे लिया, अब ये बता ऑब्सीडियन कहाँ है।
है भैया, हम लोग जहाँ पर पहली बार गए थे, जहाँ पर बाप ने आपको रोका था, वहीं पर है। ये देखिए भैया, हम लोगों को यहीं पर मिलेगा। ओए ये तो गिरेंगे तो सीधा लावे में जाएंगे। हे भैया संभल कर चलना पड़ेगा, रुक जाइए भैया मैं कूदता हूँ, फिर आइए। हे भैया पानी डाल दीजिए। हे ओए तब तो डाल देता हूँ। ओए ये डाल दिया पानी, ये क्या अंधेरा हो गया। रुक जाइए भैया मैं टॉर्च लगा देता हूँ। हे तो भैया ये रहा ऑब्सीडन, अब इसे जल्दी से माइन कर लेते हैं। और रुक जा अभी अपने 2.5 किलो के हाथ से तोड़ता फोड़ता हूँ, और टूट जाए जल्दी से। और मुन्ना ये ऑब्सीडन एक ऐसी चीज़ है माइनक्राफ्ट में बहुत देर में टूटती है। ओए हाँ भैया ये होता ही ऐसा ही है। हे तो भैया जल्दी से इसे तोड़ लेते हैं। और रुक जा 2.5 किलो का हाथ मेरा कब काम आएगा, तोड़ता फोड़ता हूँ। ओए और ये क्या लावा है, ये कैसे हो गया मुन्ना। हे भैया नीचे भी लावा है। हे भैया संभल कर तोड़िएगा, नहीं तो आप भी नीचे गिर जाएंगे। ओए भैया को मत सिखा, रुक जा भैया तेरा लावा में कभी नहीं गिरेगा, रुक जा भी तोड़ता फोड़ता हूँ। ओए ओए सब तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा, ओए ये भी टूट जाएगा, ये ले मुन्ना ये भी मिल गया, और भी तोड़ूंगा। हे भैया 5 काफ़ी है, अब चलते हैं ऊपर की ओर। हे ओए कितने ऑब्सीडियन चाहिए होते हैं। हे भैया वैसे चाहिए तो होते हैं 4 ही, लेकिन हम लोगों को एक एक्स्ट्रा मिल गया है तो कोई बात नहीं है। ओए चल ठीक है, बेफालतू में मेहनत बर्बाद कर दी। ओए अब जल्दी से मुन्ना घर चलते हैं और एक इंचेंटिंग टेबल बनाते हैं और अपने टूल्स को ना एकदम अपग्रेड कर लेते हैं। हे भैया मैं सोच रहा था थोड़ा सा आयरन भी ले लेते हैं। ओए तेरा पेट कभी नहीं भरता, इतना सारा आयरन है अपने घर में फिर भी तू आयरन लेता रहता है। ओए हे भैया मैं तो आयरन ले लेता हूँ क्योंकि अभी हम लोगों को बहुत सी चीज़ें आयरन से बननी है, और तब का तब देख लेंगे ना। हे भैया ठीक है अब चलते हैं यहाँ से। हे ओए तो चलना जल्दी से, रुक जा खाना खा लेता हूँ मैं, तू भी खा ले। हे भैया मेरा तो पेट पहले से भरा हुआ है। ओए तो भरा हुआ है तो फिर बैठा रहा शांत, अब जल्दी से घर चलते हैं। ओए एक तो मुन्ना तू रास्ते कैसे बनाता है, ये जल्दी अंदर घुसता नहीं है। ओए किधर जाना है, इधर जाना है, मिल गया रास्ता। हे भैया ऊपर की ओर चलते हैं। हे भैया ये सीढ़ियाँ बहुत हम लोगों को दिक्कत करती हैं, ये देखिए भैया कितनी दिक्कत कर रही है। ओए मुन्ना कोई बात नहीं, हम लोग चढ़ जाएंगे, फिर भी मैं तो फौजी हूँ, मैं तो बड़े बड़े पहाड़ चढ़ जाया करता था, ये तो ये सीढ़ी क्या है, वैसे भी तो ये सीढ़ी है। ओए तो चलिए भैया चढ़ चलते हैं। हे ओए तो चढ़ ही तो रहा हूँ। ओए मुन्ना सीढ़ी चलते चलते भूख भी लगाती है। हे भैया अभी खा लीजिएगा। हे तो पहले भैया चढ़ तो जाइए। हे ओए मुझे भूख ज़्यादा ही लगी है, मैं पहले खाना खाऊंगा। ओए रुक जा खाता हूँ। हे भैया आपको तो 2-2 मिनट में भूख लगती रहती है। ओए मुन्ना मेरा मानना है पहले पेट पूजा हो जानी चाहिए, फिर जो भी काम है वो तो हो ही जाएगा। ओए तो चलिए भैया अब हम लोग एक इंचेंटिंग टेबल बना लेते हैं। हे ओए तो चलना जल्दी से बना लेते हैं। ओए मुन्ना रात हो रही है, सबसे पहले सो जाते हैं। ठीक है भैया सो लेते हैं। हे ओए मुन्ना सुबह हो गई, बाहर का माहौल देखता हूँ। ओए मैं हूँ हड्डी पहलवान, वो भी प्रेम से। ओए हड्डी पहलवान अभी बताता हूँ, रुक जा आजा खाड़े में, दो दो हाथ हो जाए। ओए तीरंदाजी तो छोड़ दे। ओए ये ले। ओए ये क्या हो रहा है मुन्ना, बताता हूँ वो भी प्रेम से। ओए तू क्या बताएगा, पहले खुद को संभाल ले, मर गया मुन्ना। ओए देखा मुन्ना भैया का कमाल। हे भैया आप तो हमेशा कमाल कर देते हैं। हे तो चलिए भैया इंचेंटिंग टेबल बना लेते हैं, 2 डायमंड हम लोग को चाहिए होंगे। हे ओए मुन्ना इस पर डायमंड भी लगते हैं क्या। हाँ भैया इसमें डायमंड भी लगते हैं। हे तो देखिए भैया हम लोगों के पास 64 आयरन इंगेट भी हो चुका है, तो भैया अब हम लोगों के पास आयरन की कमी नहीं होने वाली है। ओए मैं तो पहले ही कह रहा था हम लोगों के पास आयरन बहुत सारा है, तू ही उठाता रहता है। ओए तो चलिए भैया 2 हम लोगों को डायमंड चाहिए होंगे, तो चलते हैं यहाँ पर। हे भैया रेसिपी हम लोगों को देखनी पड़ेगी। हे ओए तो पहले से देख कर रखा करना, बात का बवाल क्यों रखता है। हे भैया अभी हम लोग एक बुक भी बनानी पड़ेगी, तो चलिए भैया जल्दी से शुगर केन लेकर आते हैं। हे ओए अब ये भी बवाल है क्या मुन्ना, चल अच्छा ठीक है ले आता हूँ। ओए ओए किधर है मुन्ना। हे भैया वो रहा नदी के उस पार है। ओए रुक जा अभी तैरता हूँ। हे भैया संभल के जाइएगा क्योंकि नीचे पानी के नीचे भी जॉम्बी रहते हैं, और जॉम्बी उम्बी को तो तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा, या जॉम्बी मेरा क्या कर पाएंगे, जॉम्बी फौजी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे मुन्ना, तू मत टेंशन ले। ओए ओए मुन्ना अपना घर कितना ऊंचाई में बना हुआ है। हाँ भैया अपना घर तो एकदम कमाल का लग रहा है।
और चल जल्दी से बुक बना लेते हैं और इंचेंटिंग टेबल बनाते हैं और अपने टूल्स को एकदम तोड़ने फोड़ने वाला बनाते हैं। उससे जितने भी जॉम्बी हैं उनको भी डबल तोड़ेंगे डबल फोड़ेंगे। ओए ओए मुन्ना, अब तो बन जाएगा ना, अब कोई दिक्कत तो नहीं होगी। ओए नहीं भैया, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। है तो चलिए भैया, सबसे पहले हम पेजेस निकाल लेते हैं और उसके बुक बना लेते हैं। है और बुक कैसे बनती है? रुक जाइए भैया, हम लोगों को एक लेदर चाहिए होगा। है तो चलिए भैया, अब हम लोगों की बुक भी कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए भैया दो ही निकाल लेते हैं। और ये देखिए भैया, हम लोगों की तैयार हो चुकी है एक इंचेंटिंग टेबल। है ओए कमाल हो गया, धोती फाड़ के रुमाल हो गया। अब जल्दी से मुन्ना अपने इंचेंटिंग रूम में टेबल लगा देते हैं। ओए पहले भैया मैं खाना खा लेता हूँ। है ओए तो खा लेना जल्दी से, रोका कौन है। ओए अब चलते हैं, पहले स्विमिंग पूल में नहाऊंगा। ये देख क्या मजा आता है स्विमिंग पूल नहाने में। हाँ भैया मजा तो आता ही है। ओए इंचेंटिंग टेबल कितनी चमकदार लग रही है और अच्छी भी लग रही है मुन्ना। ओए तो चलिए भैया जल्दी से हम लोग इंचेंटिंग टेबल को रख देते हैं। है तो भैया चलिए इस नीचे वाले रूम में ही रखना है। ओए वो मुझे पता है, तू पहले ही बता चुका है। ओए किधर रखना है? ओए ये ले रुक जा, इधर ही रख देता हूँ। ये देख मुन्ना, ये क्या बुक खुल गई इसके अंदर तो। हाँ भैया अब हम लोगों को अलग अलग टाइप की पावर मिलेगी। है ओए एक्टिवेट कैसे होता है, ऐसे ही रहेगा क्या? नहीं भैया, इसको एक्टिवेट करने के लिए हम लोगों को लैपिस चाहिए होगा। है जो हम लोगों ने नीचे माइनिंग के दौरान पाया था। है तो जल्दी से भैया ले आते हैं। है ओए रुक जा, वही नीला वाला ना, रुक जा मैं लेकर आता हूँ। हाँ भैया वही नीला वाला है। ओए मुन्ना एक चीज़ तो सही कह रहा था तू, इधर लिफ्ट लगवानी चाहिए, बहुत देर लगती है सीढ़ी चढ़ने में। हाँ भैया मैं तो सही बोल रहा था, लिफ्ट इधर लगवानी ही चाहिए। है ओए चल ठीक है लगा लेंगे, रुक जा पहले मैं उस लैपिस को लेकर आता हूँ। ओए किधर गया लैपिस तपिस, किधर है? ये रहा मुन्ना, मिल गया, रुक जा भी आता हूँ। ओए चढ़ जा सीढ़ी। ओए सीढ़ी तो बहुत लंबी होती है मुन्ना, अब मुन्ना कोई ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी ना, एक्टिवेट तो हो जाएगा। हाँ भैया अब एक्टिवेट हो जाएगा। है अब ज़रूरत भी पड़ी ना तो मैं उस इंचेंटिंग टेबल को ही तोड़ फोड़ दूंगा, क्योंकि मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। ओए नहीं भैया, अब हम लोगों को लैपिस के अलावा किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब भैया हम लोगों को जिस टूल्स को इंचेंट करना है अब उस टूल्स को रख देना है इसमें। है ओए रुक जा, सबसे पहले मैं अपनी तलवार को इंचेंट करूँगा, किधर गई मेरी तलवार, ये देख। तो भैया हम लोगों को इसमें देखते हैं क्या मिलती है। हे भैया इसमें शार्पनेस वन है। और शार्पनेस वन क्या है? हे भैया शार्पनेस वन से हम लोगों को और भी पावर मिल जाएगी। तो भैया हम लोगों का जो ये है तलवार है और भी पावरफुल हो चुकी है। और ये तो कमाल हो गया, अब जॉम्बी लोग करें छोड़ूंगा, तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा। रुक जाइए भैया मैं पिकैक्स इंचेंट कर लेता हूँ। है तो भैया हम लोगों को इसमें अनब्रेकिंग वन मिल रही है, तो चलिए भैया इसको भी ले लेते हैं, इससे भैया हम लोगों की जो पिकैक्स है जल्दी टूटेगी नहीं। है ओए ये भी कमाल हो गया, धोती फाड़ के रुमाल हो गया। रुक जाइए भैया हम लोग एक बुक को भी इंचेंट कर लेते हैं। है ओए रुक जा मैं इंचेंट करता हूँ, इसमें क्या मिलता है देखते हैं। इंपेलिंग ये क्या है? एक्को इन्फिनिटी है। भैया प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन ले लीजिए। है ओए रुक जा, ओए किधर से लेना है? ओए ये ले ले लिया मुन्ना, देखा तेरा भैया भी इंचेंटिंग करना सीख गया। हाँ भैया आप भी इंचेंटिंग करना सीख गए हैं, तो चलिए भैया अब हम लोग चलते हैं। है ओए अब तो कमाल हो गया, अब आ जाओ जॉम्बी लोग, हड्डी पड्डी क्रीपर वगैरह कोई भी आ जाओ, तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा, सबको एक साथ भगा भगा के मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं। ओए तो चलिए भैया नीचे चलकर अपने सामान को भी रख देते हैं। है नहीं तो कहीं घूम हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। है ओए चल ठीक है, ये डायमंड वाली पिकैक्स रख दे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओए हाँ भैया इसी को रखना है हम लोगों को। ओए फिर दिक्कत करने लगा, मेरा दिमाग खराब हो जाता है इस गेट से। और रुक जा मैं रखता हूँ। ओ मुन्ना हम लोगों के पास तो आर्मर है। हाँ भैया उस हड्डी को मारा था तो हम लोगों को आर्मर मिला था, जो हम लोगों ने कल नेदर में जो हड्डी मिले थे उनको मारा था। है ओह तब तो कमाल का लग रहा है मुन्ना, चमक भी रहा है। हाँ भैया चमक तो रहा ही है। ए ओए इसके पैंट भी कहाँ है मुन्ना, ये रही पैंट, पैंट भी है इसकी। हाँ भैया इसकी पैंट भी हम लोग को पहनना पड़ेगा। है और रुक जा पहले इस पिकैक्स को रख देता हूँ, नहीं तो खो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। ओए हाँ भैया रख दीजिए। ओए ये ले सब रख दिया, अब रुक जा हेलमेट पहले पहनता हूँ, और पैंट भी पहन ली, ये देख मुन्ना अब मज़ा आ रहा है, देख कितना अच्छा भी लग रहा है। ओए अब आ जाओ, कोई भी जॉम्बी आ जाओ, छोड़ूंगा नहीं, तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा। हे गाइस वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। है और चैनल को सब्सक्राइब करके जो हमेशा कहता हूँ मैं, घंटे को तोड़ देना फोड़ देना। ओए जो भी करना हो लेकिन कर जरूर देना। ओए
तो चल मुन्ना अब चलते हैं। ओए हाँ भैया चलते हैं। है?